नमस्कार दोस्तों, मैं विजन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आपने देखा कि कल हमारा सीटेट 2022-23 का रिजल्ट आ चुका है और जो लोग पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके एक दो नंबर से जो लोग रह गए हैं उनके लिए तो मैं इतना कहूंगा कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए, हो सकता है जिन्होंने पहली बार पेपर दिया और एक दो नंबर से रह गए हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने तैयारी जारी रखें, और अभी यूपी टेट भी आने वाला है जो लोग यूपी के हैं, और बाद में फिर सीटेट आएगा 2023 के लास्ट में, तो आप कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी अभी इतनी जल्दी आने वाली है नहीं, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई को जारी रखें, अगर आपके नंबर कम रह गए या आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो यहाँ पर डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो 100% नेक्स्ट टाइम जब आप अपेयर होंगे तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि सीटेट 2022-23 के इस सेशन में कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, कितने लोग अपीयर्ड हुए, ठीक है। तो एक एक चीज़ें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर वन, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। इसमें अपीयर्ड हुए थे 14,22,959 लोग, और जिसमें से पास हुए हैं 5,79,844 लोग पास हुए हैं। तो इसका अगर हम लोग पूरा एक पासिंग परसेंटेज निकालें तो 40.74% लोग पास हुए हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि 40% लोग पास हुए हैं और 60% लोग फेल हुए। आज अगर आप देखें तो यूट्यूब पे आप सीटेट ले लो, यूपी टेट ले लो, हर चीज़ के लाखों वीडियोज पड़े हुए हैं। कितने चैनल्स पढ़ा रहे, रेगुलर पढ़ा रहे, मैराथन सेशंस ला रहे हो, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद 60% लोग फेल हुए हैं और 40% ही पास हुए हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अभी भी लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना कम है, लोग उतनी चीज़ें नहीं ग्रैप कर पा रहे जबकि इतनी हमारे आसपास हो रही हैं। और हो सकता है कहीं पे लोगों में इतनी ज़्यादा समझ ना हो या वहाँ पे नेट की सुविधा ना हो, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास मोबाइल है और यूट्यूब अपने सर्च करता तो उसको तो भाई इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि नंबर पास तो कर ही लो। अब आप देख लें कि आने वाली वैकेंसीज में यूपी में जैसा बोला गया कि 1/4 लगेगा सीटेट और यूपी टेट का, तो जिसके अगर मान लो 90 या 91 के आसपास हैं, ठीक है पास है, लेकिन अगर मेरिट कट फाइनल मेरिट में वो नंबर ऐड हुए तो 1/4 के हिसाब से आप काफ़ी पीछे रह सकते हैं। तो जिसका जिसका सीटेट हो गया है उससे मैं यही कहूँगा कि यूपी टेट का जो आने वाला एग्जाम है इसमें अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे अच्छी मेहनत करें, क्योंकि वहाँ पे सीटेट के कंपैरिजन में चीज़ें ऐसी होती कि अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा वहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे सीटेट में क्या होता है, एक क्वेश्चन छोटा सा, ऑप्शन चार बड़े बड़े, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और वहाँ पे आपका ऑनलाइन भी नहीं होता है, तो ऑफलाइन पेपर होता तो थोड़ा हमारा माइंड जो होता है कूल रहता है। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो वहाँ पे थोड़ा वो कंप्यूटर की इतनी स्क्रीन लाइट लगती है, तो थोड़ा सा माइंड वहाँ पे पैनिक होता रहता है। तो ठीक है, इतनी बात मैंने बताई। आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करते रहें, चाहे जहाँ से भी पढ़ें, अपनी बुक्स लें, कोई रेफरेंस बुक्स हों, या हमारे चैनल के द्वारा एक वीडियो भी आपको यहाँ पे लिंक में दिया गया, वहाँ पे देख लेना कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, वो हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, ठीक है। वहाँ से आप अपने यूपी टेट 2023 की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और मिनिमम आप अगर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप ये मान के चलो 125 प्लस मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। और अब जबकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे 125 प्लस मार्क्स होना तो कंपलसरी जैसा ही हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर टू, जिसको जूनियर बोलते हैं। इसमें अपीयर्ड हुए थे 12,76,071 लोग, और उसमें से पास हुए हैं 3,75,025 लोग। अगर परसेंटेज में बात की जाए पासिंग की तो 29.34 यानी कि लगभग 30% लोग, इसमें तो ज़्यादा ही लोग फेल हो गए। यहाँ पे 60% लोग फेल हुए हैं, यहाँ पे 70% लोग फेल हुए हैं। ये तो हमने अपीयर्ड की बात करी है, इसमें रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब 17 लाख लोगों ने कराया था, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करीब करीब 15 लाख, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन प्राइमरी और जूनियर में 32 लाख थे, ठीक है। उसमें से पास कितने हुए, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 8-9 लाख के आसपास लोग पास हुए हैं। सोचिए 32 लाख कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें से पास हुए मात्र 9 लाख। अगर इसका आप एवरेज निकालोगे लगभग 30% लोग पास हुए दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, तो आपने देखा कंपटीशन इतना भी हाई नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे अभी भी कम है। ज़्यादा भीड़ को मत आप देखो कि 50 लोग हैं तो सब पढ़ने वाले होंगे, किसी कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ रहे तो सब पढ़ने वाले होंगे, हो सकता है कुछ तो ऐसे जाते होंगे आप समझ ही सकते हैं किस वजह से चले जाते होंगे, है ना। तो आपको ध्यान देना अपनी स्ट्रेटजी पे, आप कैसे पढ़ रहे हो, अपनी प्लानिंग्स पे आपको फोकस करना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट भी करना है। टीचर्स पे भी ट्रस्ट करो, खुद पे भी ट्रस्ट करो, और मेहनत करो आप ढंग से, आप 100% सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। इतनी बात हमने की, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सर्टिफिकेट कब तक आएगा। तो अभी तक जो हमारे एग्जाम्स होते थे आज से 2-3 साल पहले तक, तो उनके जो सर्टिफिकेट होते थे वो 1-2 महीने में हमें हार्ड कॉपी में मिलते थे, जैसे हमारे 10th 12th के मिलते थे बेसिकली। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि पेपर को भी बचाना चाहती है, ठीक भी है, इको फ्रेंडली कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए,
उसने क्या किया कि डिजी लॉकर पे हमारा एक ऐप है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, या आप चाहो तो प्ले स्टोर से उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप सारे सर्टिफिकेट जो इंपॉर्टेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका सीटेट 2022-23 का जो रिजल्ट है वो एक महीने के अंदर अंदर आपका डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाएगा, और वहाँ से आप अपना रोल नंबर डाल के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी सीटेट का रिजल्ट ही डाउनलोड नहीं किया है, डिजी लॉकर की बात ही हटा दो, तो उसको क्या करना, बेसिकली ये जो यहाँ पे लिंक आपको दिख रही है इस पर सीटेट.nic.in, इस पर जाना है। उसके बाद आपका एक ये रेफरेंस खुलेगा, इसको आप रिजल्ट पे टच करना है, तो वहाँ से आपको एक पेज खुलेगा जिसमें सिर्फ आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डाले तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर और आगे बात करें तो डिजी लॉकर में किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं। उस पर पहले तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप अपना वहाँ पे अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सेक्शन सर्च करेंगे, तो वहाँ से आपके यूपीटेट सीटेट जितने भी आ जाएंगे। अगर किसी ने पहले फॉर्म डाले, किसी ने पास किया, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मार्क्स वहाँ पे देख सकते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो के जरिए ये भी पता चला कि कितने परसेंट लोग पास होने, क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है, कितने लोग पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता कि आप आने वाले जो सर्टिफिकेट है 2023 जो सीटेट का आपने जो पास किया, वो उसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो पास हुए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो फेल हुए हैं या किसी कारणवश नहीं पास हो पाए, उन सबके लिए बस यही कि आप लोग ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आने वाले भविष्य में आप भी सक्सेसफुल होने। धन्यवाद।